वॉलंटियर्स और कई खास इंतजाम। मन बनाइए, आगे आइए, वोट कीजिए। द्वार सूर्य का सभ्यता का धाम, पहली पहली किरणों से दिन करे प्रणाम। द्वार सूर्य का सभ्यता का धाम, पहली पहली किरणों से दिन करे प्रणाम। पर्वतों को आके यहाँ चूमती घटा पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल। अरुणाचल मतलब उगते सूरज का पर्वत। इसका अधिकांश भाग हिमालय से ढका है। कमाल की बात यह है कि करीब 20 प्रमुख जनजातियों वाले इस प्रदेश में बोलचाल की भाषा हिंदी है। यूं तो पूरा अरुणाचल कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ अनूठे रंग अनुपम अरुणाचल के, जिन्हें सवारा है अरुण की आभा ने। कहते हैं खूबसूरती बेदाग होती है, लेकिन अगर वही खूबसूरती आपकी इज्जत और जान की दुश्मन बन जाए तो उस पर बदनुमा दाग क्यों ना लगा दिया जाए। सुनने में खराब लगता है, लेकिन यही भयानक सच्चाई और इतिहास है अरुणाचल के आपातानी ट्राइब का। चौड़ी नाक, झुर्रियों से भरा दागदार चेहरा आज भी गवाह है उस बेरहम परंपरा का, जिसमें आपातानी लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए बचपन में ही उनकी नाक में बांस की हीलुमा लकड़ी ठूस दी जाती थी और उनके माथे और ठोड़ी को गोदकर छाप लगा दी जाती थी। ये दर्दनाक सजा हर आपातानी लड़की के मासूम बचपन को बेध डालती थी। हालांकि उस आदिम परंपरा पर अब पाबंदी लग चुकी है, लेकिन उस भयानक कल के निशान आज भी इन बूढ़े चेहरों पर मौजूद हैं। पहले की मतलब दूसरा जगह से अपने ट्राइब लड़कियों लोगों को उठा के ले जाता था सुंदरे बोल के। उसके बाद गवर्नमेंट लोग आके ये तो अन्याय हो रहा है बोल के उसको बंद कर दिए। आपातानी जनजाति अरुणाचल के जीरो इलाके में रहती है। इस जनजाति के लोगों का अपना एक धर्म है जिसे डोनी पोलो कहते हैं। डोनी यानी सूरज और पोलो मतलब चांद, और घर के बाहर लगे लाल सूरज वाले सफेद झंडे इस जनजाति का प्रतीक है। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के जीरो शहर में हूँ और जीरो शहर की ये मिची बस्ती है। आपने देखा कि एक लकड़ी का एक पोल सा है
क्या है ये, यहाँ पर आपातानी ट्राइब रहती है, आपातानी ट्राइब का अपना कल्चर है, और मेरे साथ हैं मिशी लासा, आइए उनसे बात करते हैं। ये क्या लगा रखा है आपने? ये हमारा म्योको फेस्टिवल जो, इसको क्या बोलते हैं? म्योको पूजा। अने ये हम ये जो हम लोग का इसको हम लोग बाबो बोलते हैं। अच्छा, इस लकड़ी के खंभे को बाबो बोलते हैं। तो जब भी आपका फेस्टिवल होता है तब इसको लगाया जाता है? जी जी जी, इसमें लगाया जाता है, लेकिन हम लोग का एक म्योको का सिंबल है। तो इसमें ये बाबो जो एक्चुअली हमारा पोर्ट पार्डर से करते आया है, बहुत सदियों से ये करते आया है। अच्छा, ये बताइए कि ये इसके में आपने दोनों तरफ क्या टांग रखा है? ये सिंबल जो एक्चुअली बोलने से हम लोग का लड़की का सिंबल को दे देता है। अच्छा, मतलब ये जैसे कान के अंदर झुमके? हाँ, और हाँ, वो जैसा। और हम लोग का ये अपतनी का औरत जो यहाँ में पुनंग बांधता है ना, औरत लोग पीछे तरफ, उसी का सिंबल वो ऊपर का जो दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअली बोलने से ये हमारा लड़की का सिंबल को हम लोग ये बना के लाता है। गांव में लगे इस लकड़ी के खंभे को बाबो कहा जाता है, जो खास मौके पर होने वाले पारंपरिक जश्न का ऐलान करता है। सत्तर का दशक आते आते इस खौफनाक सजा पर रोक लगी और एक बार फिर से आपातानी सौंदर्य की सुगंध दूर दूर तक फैलने लगी है। मैं इस वक्त दूल्हे लालियांग के घर पे हूँ और वो भी आपातानी ट्राइब के हैं। वक्त जैसे जैसे बदला वैसे बदलाव आ गया है। अब खाना ये गैस पे बनाते हैं और आप देख सकते हैं इनकी पत्नी, अब इनके चेहरे पे ना वो निशान है, ना उनकी नाक को छेदा गया है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि दूल्हे की वाइफ यहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीत चुकी है। लेकिन हम पहले बात करेंगे दूल्हे से। दूल्हे, ये बताइए कि कितना चेंज आया है और आपकी कम्युनिटी के अंदर वो जो एक ट्रेडिशन हुआ करता था जब औरतों को उनका चेहरा ख़राब कर दिया जाता था, उससे लेकर अब कितना पॉजिटिव चेंज आया है? आज हम लोग बहुत खुश है कि पहले अराउंड 70s तक ये तो चलता था, अभी तो चलने से मेरा यहाँ में भी टी होना था, अभी और टी नहीं है। अभी हम बहुत खुश नसीब सोचता है क्या और तो अभी बैन क्या हुआ है। दूल्हे के साथ उनकी वाइफ है। ये बताइए कि कितना अच्छा लगता है आपको कि अब वो जो ट्रेडिशन था वो ख़त्म हो गया? मुझे बहुत ही खुश महसूस हो रही है क्योंकि मेरा फोरफादर मादर भी फोरफादर लोग भी पहले ज़माना का कहानी कुछ हमें बताया था, जो मतलब कुछ रीजन का कारण से हम लोग का अपतनी लड़की और लड़का दोनों को यहाँ में निशान टैटू लगाया गया था। तो उस समय में मतलब लड़की लड़का लोग अनएजुकेटेड होने का वजह से शादी वगैरह भी जल्दी होता था, लेकिन आफ्टर एजुकेटेड का बाद में हम लोग का यूथ लोग समझ में ये आ गया है कि मतलब ये सब नहीं लगाना है। ये सचमुच कमाल ही है कि जिस जीरो में कभी एक बेरहम प्रथा प्रचलित थी, आज उसी जगह संगीत के सुरीले सुर धूम मचा रहे हैं। जीरो की वादी में हर साल सितंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाले जीरो म्यूजिक फेस्टिवल की गूंज इस कदर पॉपुलर हो रही है कि क्या देश क्या विदेश म्यूजिक के मस्ताने जीरो वैली में जमा हो जाते हैं। माँ जल्दी, वोटिंग का टाइम निकल जाएगा। अरे रुक, झाड़ू पोछा बर्तन घर की सारी सफाई बाकी है। आप यहाँ घर की सफाई में लगी हो, आपको पता भी है वहाँ देश की सफाई के लिए कितना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं मोदी जी। काले धन की सफाई, भ्रष्टाचार की सफाई, मोदी जी का साथ नहीं देना क्या?
जिगर तो चाहिए। मोदी जी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। केवल तारीफ नहीं, वोट करो। देखो 2014 में हमने मोदी जी को वोट दिया तो सभी भ्रष्टाचारियों को जेल के दरवाजे तक ले आए वो। अब 2019 का वोट उन्हें जेल में ठूस देगा। तो चलो नेक काम में देर कैसी। चलो मिलके देश की सफाई में जुट जाते हैं, चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। चल पड़े हैं आगे, हौसले भी जागे, है अपना एक मकसद एक से इरादे। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक, अब साथ हैं तीन बेहतर से बेहतरीन। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। बीमारी हुई कम जब दरवाजे बंद हुए, दवाइयों के खर्चे तब से कम हुए, सभी परिवारों के हजारों रुपए बच गए, जिंदगी भी बची और पैसे भी। दरवाजा भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे शौचालय का इस्तेमाल और उसकी देख रेख हर कोई हर रोज हमेशा। जीरो से निकलकर आइए अब चले मीलों दूर चीन से सटे तवांग में। घबराइए नहीं, उड़न खटोले में हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। ईटानगर से गुवाहाटी और गुवाहाटी से तवांग तक के सफर में ऊपर से भूटान भी दिखाई पड़ता है। 10,000 फुट की ऊंचाई पर बसे तवांग का ऐतिहासिक, सामरिक और धार्मिक महत्व है। तवांग का नामकरण 17वीं शताब्दी में मिराक लामा ने किया था। तवांग मोनपा ट्राइबल्स का घर है। तवांग मठ का निर्माण मिराक लामा लोड्रे ग्यात्सो ने 1680 से 1621 ईस्वी में कराया। पहाड़ी पर बना तवांग मठ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। और हम मठ में ऐसे मौके पर पहुंचे जब वहां नए मठाधीश पद ग्रहण कर रहे थे। इस मौके पर नन्हे लामाओं से लेकर सभी लोगों ने तवांग की लोक संस्कृति का जमकर लुत्फ उठाया। मैं इस वक्त तवांग मोनेस्ट्री में हूँ, जो कि एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो मठाधीश हैं, एक मठाधीश अब इस मोनेस्ट्री का मान दूसरे मठाधीश को सौंप रहे हैं। और मेरे साथ हैं एक लामा, क्या नाम है आपका? तुप्तन। तुप्तन, ये बताइए कि आज कौन से एबट ने पदभार ग्रहण किया है? आज देवंग लोसिलिंग मोनेस्ट्री के समजन रिपोचे जी, उन्होंने आज इस मठ अध्यक्ष का पद कार्यकाल संभाला है। ये कार्यकाल कितनी देर का होता है कि एक एबट दूसरे एबट को सौंपता है? ये 3 साल को होते हैं और 3 साल में इसका बदला जाता है। अच्छा, ये कौन सा डांस हो रहा है पीछे? इसे गंछम के नाम से जाना जाता है। ये नाच इसलिए नाचा जाता है कि इसके इतिहास यह है कि करीब 11वां और 12वां शताब्दी के समय में एक बौद्ध आचार्य जो दिवंकर शिनी आदिशा हुए थे, तो उस समय में तिब्बत के बौद्ध धर्म कुछ संकट में थे, तो उस बौद्ध धर्म को फिर से जीवित करने के लिए यहाँ से आदिशा जी को यहाँ से उनको स्वागत किया। इस समय में उनका स्वागत के लिए ये नाच हुआ था, तो
इस नाच के पीछे यही कहानी दिखाते हैं। यानी कि ये जो नाच है ये 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म को फिर से जागृत करने के लिए जो यहाँ से लोग गए उसके लिए उसकी याद में कर रहे हैं। जी जी साहब, उस समय में आदिशा जी को जो बौद्ध धर्म के आचार्य थे उनको वहाँ पे स्वागत किया था। अच्छा, यहाँ पर कौन सा बौद्ध धर्म का कौन सा सेक्ट है, महायाना या हीनयाना? हाँ, यहाँ में वैसे तो महायाना ये ना हम इस शब्द का यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम पाली ट्रेडिशन और संस्कृत ट्रेडिशन कहा जाता है। तो यहाँ के जो धर्म है वो संस्कृत परंपरा के हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, इनमें लामा है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं, और भी लोग हैं जो बैठकर इस पूरे समारोह का आनंद उठा रहे हैं, और ये संस्कृति का हिस्सा है, ये इनकी जड़ें हैं और ये इनके पूर्वजों से इनको मिला है। तवांग का सबसे मशहूर पर्व है लोसर। लो मतलब नया और सर मतलब वर्ष। तवांग में न्यू ईयर फरवरी के महीने में आता है और इसका सेलिब्रेशन करीब 15 दिन तक चलता है। परंपरागत अंदाज में मनाए जाने वाले लोसर फेस्टिवल में गीत संगीत की अनोखी छटा देखने को मिलती है। देख सकते हैं मुझे यहाँ का लोकल अटायर पहनाया गया है, और ये जो सुंदर महिलाएं आप देख रहे हैं इन्होंने मुझे ये पहनाया है। ये यहाँ पर जो अतिथि आता है उसका स्वागत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीमा है। नीमा, ये बताइए कि ये क्या पहनाया है आपने? ये हम लोग का लोकल ड्रेस है, इसको बोलते हैं खंजर। खंजर जो जेंट्स के लिए होता है, मतलब ये खंजर। और ये है हम लोग का ड्रेस शिंग का, ट्रेडिशनल अटायर शिंग का। आपने शिंग, और ये माला जो पहन रखी है इसको क्या बोलते हैं? इसको ये हिंदी में इंग्लिश में भी कोरल है, तो हिंदी में हम लोग जो हम लोग मनपा जो हम लोग लैंग्वेज है इसमें बोलते हैं शुरू। इन्होंने जुलू पहन रखा है और इनके साथ इनकी सहेली है। आपका क्या नाम है? नौरजीन। नौरजी, ये बताइए कि ये कौन सा फेस्टिवल है और ये इसको क्यों मनाते हैं? सर, ये एक लोसर फेस्टिवल है, ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है सर। तो ये इट गोज फॉर 15 डेज। So for first 3 days this is celebrated very widely and then we go to our families. ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो 15 दिन तक मनाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर enjoy कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, और ये यहाँ के रीति रिवाज का एक हिस्सा है। ये है तवांग वॉर मेमोरियल। चीन के साथ 62 की जंग की याद दिलाता यह स्मारक एक स्तूप के शेप में बना है। लोकल फेस्टिवल की मौज मस्ती से निकलकर अब मैं उस जगह पहुंच गया हूं जिसकी वजह से ये मौज मस्ती, ये आज़ादी, ये खुशी मुमकिन हो पाई है। जी हां, मैं इस वक्त हूं वॉर मेमोरियल पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये शानदार वॉर मेमोरियल जो उन अफसरान और जवान की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1962 में चीन से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 2420 जवान और अफसरान, उनकी याद में ये शानदार मेमोरियल बनाया गया है। इस मेमोरियल को बनाते वक्त बौद्ध धर्म का ध्यान रखा गया है, और यहाँ बताया जाता है कि जब यह मेमोरियल बन रहा था तो स्थानीय लोगों ने अपने कुछ आभूषण और अपने कुछ ग्रंथ यहाँ पर भेंट किए जिनको यहाँ पर रखा गया है। आइए चलिए मेरे साथ अंदर और वापस याद ताज़ा करते हैं
उस बलिदान की जिसकी वजह से मैं और आप सीना तान कर यहाँ इस भूमि पर खड़े हैं। सुबेदार जोगिंदर सिंह, प्लाटून कमांडर फर्स्ट सिख, 23 अक्टूबर 1962 तड़के 5:30 बजे चीनी फौजों ने बूमला पर एक जबरदस्त हमला बोला। उनकी मंशा थी कि तवांग पर कब्जा किया जा सके, लेकिन सुबेदार जोगिंदर सिंह ने अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए चीनी फौजों का मुकाबला किया और कई से चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। सुबेदार जोगिंदर सिंह को इस अद्वितीय वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया है। सुबेदार जोगिंदर सिंह को हमारा सलाम। अरे अम्मा, कहाँ जा रही हो? वोट डालने। अरे इस उम्र में कहाँ वोट वोट के चक्कर में पड़ रही हो, बैठो। तेरी अम्मा इसी उम्र में शौच के लिए खुले में जाती थी और चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां बीन ले भी, लेकिन जब से मोदी आया है ना, तब से बहू बेटियों को इज्जत भी मिली और आराम भी। हाँ, सो तो मिला है, वरना पूरा जीवन हमें तो झूठे वादे ही मिले थे। केवल तारीफ नहीं, वोट कर अपने सिर्फ एक वोट से। उसने 70 सालों में कभी नहीं हुआ इतना गरीब के लिए काम किया है, फिर ऐसे अच्छे काम को दोहराना चाहिए कि नहीं, बता। तुमने तो हमारी बोलती बंद कर दी अम्मा, हम ना अभी रिक्शा लेकर आते हैं। अच्छा, आप यहीं रहिए। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो, शुरुआत करो, करो तो मट्टी बात करो। पहल करो, शुरुआत करो, करो तो मट्टी। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। घर घर में सबने शौचालय बना लिए। अरे भाई साहब, असली हीरो तो कोई और है। ये लो बच्चों, ये असली हीरो को जाकर के हार पहनाओ। अरे असली हीरो, अपना हार तो पहन लो। हीरो? चाचा हीरो का फर्ज ही तो निभाया। दरवाजा बंद रखे, गंदगी और बीमारी को पहले से बचाया, पहले से बचाया, पहले से बचाया। दरवाजा बंद रखेगा हर कोई हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रहे हर कोई हर रोज हमेशा। तवांग से बूमला बॉर्डर करीब 35 किलोमीटर है और मैं इस वक्त हूँ पीटीएसओ लेक पर। आप देख सकते हैं पीछे जो बर्फ की चादर है, दरअसल वो पीटीएसओ लेक है जो पूरी तरह से जम चुकी है। और लेक के पार आप देख सकते हैं जो पहाड़ हैं वो भी बर्फ से ढके हुए हैं। इतने सख्त और मुश्किल हालातों में हमारे जाबाज हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। और आप इस मुश्किल हालात से ये पता लगा सकते हैं कि जब आप अपने गर्म बिस्तरों में बैठे होते हैं तो आपके लिए कोई सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाता है। मैं इस वक्त 15,200 फीट की ऊंचाई पर बूमला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हूं और मेरे ठीक पीछे है चाइना। फिलहाल टेम्परेचर यहां पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहां पर बिना चश्मे के नहीं देख सकते, इसलिए अपनी आंखों की हिफाजत के लिए आपको चश्मा लगाना होगा, गर्म कपड़े पहनने होंगे। लेकिन विंटर्स में यहाँ पर टेम्परेचर -25 डिग्री तक चला जाता है। बूमला
उन 5 जगहों में से एक है जहां पर चाइना के साथ बॉर्डर पर्सनल मीट होता है। क्या आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मुश्किल हालातों में हमारे जाबाज हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं? ये मेरे और आपके लिए सोचने वाली बात है। लेकिन जैसे कि कहावत है, मुश्किल वक्त जवान सख्त, वैसे ही जान हथेली पर लेकर हमारे जाबाज भारत माता की जय का नारा लिए इन सरहदों की हिफाजत करते हैं। कैमरामैन शुभम के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मुंबला से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़।